गाइस क्लैश विद ड्रैग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। और आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। टुडेज वीडियो विल बी अ स्पेशल वीडियो ऑन अ स्पेशल बेस ऑन अ स्पेशल प्लेयर। दिस विल बी अ इंटरव्यू वीडियो। और आज की वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ एक ऐसा बंदा जिसने दुनिया में रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड ऐसा वैसा नहीं है गाइस, छोटा मोटा रिकॉर्ड हो तो बात करें, बहुत बड़ा रिकॉर्ड मुझे लगता है ये वाला। और इस रिकॉर्ड के बारे में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस रिकॉर्ड। बट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू मेक अ ह्यूज शाउट आउट टू ऑल द सब्सक्राइबर्स, न्यू सब्सक्राइबर्स, यू नो द सपोर्टर्स एंड फैंस। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। ऐसे ही प्यार बना के रखो, हम और वीडियोज आपके सामने अच्छी अच्छी कंटेंट वाली लेते आएंगे इस चैनल पे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं, पर एक छोटे से इंट्रो के बाद। जी हाँ गाइस, हम आ चुके हैं इस बंदे के बेस पे एंड आई एम एट द मोमेंट ऑन हिज बेस, ऑन हिज यूनिक बेस। और आज इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आई विल टेल यू अबाउट दिस प्लेयर, दिस इज अ यूनिक प्रोफाइल। तो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त मैं दिखाने वाला हूँ समीर ओपी। जी हाँ गाइस, दिस इज हिज नेम समीर ओपी। ही इज एन इंडियन क्लैशर। और इसकी बेस में खास बात ये है गाइस, लुक एट द ट्रॉफीज, ऑल टाइम बेस्ट 5000 ट्रॉफीज निकाल के आए इस वक्त भी। ही इज ऑन टाइटन लीग 3 एंड ऑल टाइम बेस्ट इज 5K ट्रॉफीज। एंड द यूनिक थिंग अबाउट दिस बेस इज ही हैज गॉन टू लेजेंडरी लीग विद हैविंग टाउन हॉल 10 बे। यूनिक बेस आप देख ही सकते हैं प्रोफाइल में, सिर्फ दो ट्रूप्स हैं इसके पास, बारबेरियंस एंड मिनियंस। ऑल ऑफ द ट्रूप्स दैट ही हैज इज ओनली बारबेरियंस एंड मिनियंस लेवल वन के ट्रूप्स के साथ इन्होंने कर दिया है लेजेंडरी ट्रॉफी। इस वक्त टाइटन 3 पे हैं, बट भाई बेस को देखें। इफ आई शो यू द बेस गाइस, बेस आप देखें, बेस में सब चीज़ें लेवल वन की है। एवरी सिंगल थिंग इज लेवल वन, इवन एक्सबॉक्स, टेस्ला, मोटर, कैनन्स, आर्चर टावर, विजर्ड टावर, एवरीथिंग इज ऑफ लेवल वन। एंड द ओनली ट्रूप्स दैट ही यूज इज जस्ट द बारबेरियंस एंड मिनियंस। एंड दिस इज हाउ ही वेंट ऑन टू गेट टू लेजेंडरी लीग। तो गाइज, आज हम आपको इनका इंटरव्यू के साथ साथ इनके रीप्लेस भी दिखाएंगे। विल शो यू द रीप्लेस ऑफ हिज अटैकिंग, हाउ ही अटैक्स ऑन अ टाउन हॉल 10 यूजिंग बारबेरियंस एंड मिनियंस टू गेट टू दिस लेजेंडरी लीग दैट ही हैज। इनके साथ हम इंटरव्यू भी करेंगे एक लाइव, इनसे पूछेंगे कि ये क्या थॉट आया इनका, किस तरीके से इन्होंने ये चीज़ की, कहाँ से है, सब कुछ आपके सामने मैं आपको इंटरव्यू में दिखाऊंगा। अब आप देख सकते हैं गाइज, मिनियंस का यूज करते हैं। ही यूज मिनियंस 23 मिनियंस, ही यूज 20 बारबेरियंस, सब कुछ। और एक सीज जो मशीन है, सीज मशीन को भी इस्तेमाल करते हैं ये। गॉबलिन से आई थिंक टेक डाउन करते हैं टाउन हॉल ये निकालते हैं गॉबलिन, सुपर गॉबलिन से, और इस तरीके से टाउन हॉल स्नाइप करते हैं। साथ साथ ट्रॉफीज इनको लेके आते हैं और ऐसे बढ़िया बड़े बड़े बेसिस पे ये जब अटैक करते हैं तो भाई मतलब स्नाइप करना है। कभी कभी फेल भी हो जाते हैं अटैक, बट कोशिश इनकी रहती है कि भाई स्नाइप की करें ये। और इस वक्त तो इन्होंने सारे जितने ट्रॉफीज लेकर लाई हैं वो सारी स्नाइपिंग से ही की हैं। तो सिर्फ स्नाइपिंग कर करके इन्होंने गॉब्लिंस की मदद से इन्होंने स्नाइप कर करके लेजेंडरी लीग पहुँचा दिया है। सिर्फ मिनियंस और बारबेरियन का इस्तेमाल करते हैं फिलहाल तो इनका। जो मैंने अटैक देखे हैं, जो रिप्ले इन्होंने शेयर किए हैं, सब स्नाइपिंग वाले हैं। की जाए डिफेंस की, इफ आई टॉक अबाउट द डिफेंस इनका कोई भी अटैक करता है सारा डिफेंस लेके जाते हैं, क्योंकि इनके पास सब कुछ लेवल वन का है। तो चलिए गाइज, और आपको इस तरीके के इनके अटैक्स दिखाएंगे। फिलहाल तो अटैक में स्नाइपिंग ही दिखेगी आपको, पर चलिए इनसे बात करते हैं एंड लेट्स गेट हिम ऑन द इंटरव्यू एंड लेट्स टॉक अबाउट his unique profile, that is this one. How he got to legend league, how is attacking, is it really hard to push to legend league with
you know, these kind of troops. Not, I mean, even if he had the max Town Hall 10 troops, still difficult. But how he had made to Legend League with just barbarians and minions, we saw it. But let's just ask him live in the interview, in this interview. This will be a special interview with Sameer OP. So, chaliye guys, Sameer se baat karte hain, unse poochte hain, ye inhone aakhir kiya to kiya kaise aur kya thoughts hain inke is Legend League pahunchne mein Town Hall 10 se. To chaliye guys, seedha baat karte hain Sameer. तो चलिए गाइस, अभी आपके सामने मैं आपको मुखातिब कराता हूँ समीर ओपी से. ये इनका बेस है गाइस, टाउन हॉल 10 का बेस. और इस बेस में खास बात ये है कि इनके बेस में सारे बिल्डिंग्स हो या ट्रुप्स हो, सब लेवल 1 के. और ट्रुप्स की बात जहां तक की जाए तो आपके सामने स्क्रीन में आप देख सकते हैं बारबेरियन लेवल 1 का, मिनियंस लेवल 1 के. ये दो एक ऐसे ट्रुप है इनके पास जिसके साथ ये अटैक करने जाते हैं. और टाउन हॉल 10 की जो ये प्रोफाइल आप देख रहे हैं, ये टाउन हॉल 10 की प्रोफाइल है गाइस. और इस प्रोफाइल में खास बात आपको ये दिखेगी कि ये प्रोफाइल इस वक्त लेजेंडरी लीग पे इन्होंने ऑल टाइम बेस्ट किया था. 5008 ट्रॉफीज इनकी ऑल टाइम बेस्ट रही हैं. और इसी चीज़ के साथ, इसी चीज़ को पाने के बाद इनका प्रोफाइल बन गया है खास क्लैश ऑफ क्लैंस में. और आज हम इनके साथ मुखातिब होंगे, आपको बताएंगे, इनसे लाइव इंटरव्यू करने वाले हैं इसी पल, इसी वक्त वैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो हम इनसे जानेंगे कि ये बेस में कितने महीनों की मेहनत लगी, क्या थॉट था इसके पीछे, कब इनको ये यू नो दिमाग में आया कि भाई मुझे आज मतलब ये लेजेंड लीग करना है और ऐसे बेस बना के करना है जिसको देख के लोग ये बोलें कि वाह भाई वाह, क्या मतलब लेजेंड लीग. हम जैसे, मतलब मैं भी टाउन हॉल 9 से लेजेंड लीग पे पुश किया हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ गाइस कितना टाइम लगा था और कितनी पेशेंस और हार्ड वर्क चाहिए उसका अलग ही, मतलब यू कांट इवन इमेजिन हाउ हार्ड इट इज़ टू पुश टू लेजेंड लीग व्हेन यू आर अ लोअर टाउन हॉल लाइक टाउन हॉल 9, 8 और इवन टाउन हॉल 10. टाउन हॉल 10 भी बहुत छोटा अकाउंट है, मतलब इतने इसको मतलब ऊपर नहीं देख सकते हम, बट खासकर इनका तो अकाउंट है ही इतना लो लेवल से बढ़ा हुआ क्योंकि इनके पास लेवल 1 का बारबेरियन और मिनियन हीरो सब कुछ लेवल 1 का है. इसीलिए इनका ये बेस, इनकी ये प्रोफाइल बनती है खास. और आज इस खास बंदे के साथ हम इंटरव्यू कर रहे हैं. तो चलिए जानते हैं समीर ओपी से कि इनके कितनी मेहनत की कितनी महीनों की मेहनत लगी इसके पीछे और क्या रीज़न था कि इन्होंने ये आज यू नो लेजेंड लीग जो इन्होंने लाई, मतलब इनको कैसा लगा जब ये लेजेंड लीग में पहुंचे. तो चलिए गाइस, समीर ओपी से बात करते हैं डायरेक्ट लाइव में. जर्नी के बारे में बताओ कि कैसे. हाँ, मैं तो गोवा से हूँ, गोवा इंडिया. ओके. और क्लैश ऑफ क्लैन तो 2017 से खेल रहा हूँ. ओके. पहले तो एक आईडी थी, अभी तो बहुत सारे हैं. ओके. तो मैं खेलता था, मेरा एक दोस्त है द नंबर 1 बोल के. ओके. तो उसकी भी एक ऐसी आईडी थी. वो कहाँ से था? जैसी वो पाकिस्तान से. ओके, पाकिस्तान से. हाँ, वो भी क्लैश ऑफ क्लैन खेलता है. ओके. अच्छा प्लेयर है. अच्छा. तो उसकी एक आईडी थी जिसमें ट्रूप्स नहीं है और स्पेल्स है. तो वो भी सेम ऐसे, उसने भी लेजेंड हिट किया था. तो उसको देख के क्या हूँ बोल सकता हूँ. ओके. तो मुझे उससे अलग करना था तो मैंने स्पेल्स अनलॉक नहीं किया. और आईडी तो मैंने बनाया था 3 months पहले. अच्छा. और पुशिंग 2 months उसमें, तो 2 months में हिट कर दिया मैंने. तो मतलब आपको 800 एंड बोलिए फायर अटैक्स करके, मतलब आपको 800 अटैक लगे लेजेंड लीग पहुंचते हुए. हाँ हाँ भाई. और आपने स्टार्टिंग में कभी कभी 2 star मिल जाते हैं, मतलब जैसे कि इंजन बेस हो या फिर लोअर टाउन हॉल 9. वो तो अभी मुझे मिल जाता था 2 star, नहीं तो मुझे स्नीकी गॉब्लिंस का सहारा लेना पड़ता है. ओके. टाउन हॉल उड़ाने के लिए. जी, मैंने वो देखा आपकी जो रिप्लेस हमने शेयर किए अपने व्यूअर्स के साथ, हमने शेयर किए, उसमें मैंने देखा कि आप सीज का इस्तेमाल करके टाउन हॉल स्नाइप कर रहे थे गॉब्लिंस के साथ. तो मैं वही पूछना चाहता कि सिर्फ स्नीकी गॉब्लिंस का इस्तेमाल करके सीज की मदद से आपने लेजेंड हिट किया या कुछ ऐसे बेसिस भी आपको मिलते थे जिसमें आप ये बारबेरियन और मिनियंस का इस्तेमाल करके भी 2 star लाते थे?
तो ऐसा आपने अभी बता ही दिया है कि वैसे बेसिस भी मिलते थे जिसमें आप ट्रूप्स का इस्तेमाल भी करते थे जो आपके पास लेवल 1 है। हाँ, ट्रूप्स का भी करता हूँ। दो स्टार तो मिल जाते थे लेकिन वो बहुत मुश्किल से मिलता है बेस, बहुत कम। जी मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी टाउन हॉल लाइन में जब पुश किया था तो बहुत डिफिकल्टी होती थी, मतलब कि कभी बेसिस नहीं मिलते थे और जो भी मिलते थे वो सब टाउन हॉल 11, 12 जैसे बेसिस मिलते थे। आपको 800 प्लस अटैक्स लगे इस लेजेंड लीग पहुंचने में, और ये मेरे ख्याल है आपका ये लेजेंड जो प्रोफाइल आपकी हुई है ये आई थिंक पिछले सीजन में हुई थी शायद। ओके, पिछले सीजन में आपने लेजेंड लीग हिट किया था और अभी भी आप टाइटन 3 पे, तो आप आने वाले समय में शायद कोशिश कर रहे हैं दोबारा से लेजेंड लीग पहुंचने में, या अब आपका बस हो गया है? नहीं, ड्रॉप कर दूंगा उसको। तो अब इसके बाद आप कुछ प्लान है आपका कुछ और अलग सा करने का इस क्लैश ऑफ क्लैंस की गेम में, या सिर्फ यही तक था आपका सफर? टाइम तो है लेकिन टाइम नहीं है। टाउन हॉल 2 की आई थिंक किसी ने भी लेजेंड लीग शायद नहीं कर पाया होगा कोई टाउन हॉल 2 में। आई थिंक वर्ल्ड रिकॉर्ड 3400 पीछे, और वो भी एक इंडियन ही है जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, इंडियन बस इंडिया से होना चाहिए कोई भी रिकॉर्ड हो, हमें तो उसी की खुशी होती है। और आप कब से खेल रहे हो क्लैश ऑफ क्लैंस? हाउ लॉन्ग यू बीन प्लेइंग क्लैश ऑफ क्लैंस गेम फॉर? कितने साल हो गए आपको खेलते? 2017 से स्टार्ट किया हूँ। अच्छा, तकरीबन पाँच साल आपको हो गए क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते। और आपका सिर्फ यही अकाउंट है या इसके ऊपर भी आपके पास कुछ अकाउंट्स हैं आपके? हाँ, मेरे पास 32 अकाउंट्स हैं। 32 अकाउंट्स हैं आपके पास? माय गॉड, मतलब जिसमें टाउन हॉल 1 से लेके टाउन हॉल 14 तक सब है आपके पास? हाँ सब है, टाउन हॉल 1 नहीं है और 6 नहीं है। क्या बात है, मतलब टाउन हॉल 1 तो वैसे भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें तो ऑटो अपग्रेड हो जाता है टाउन हॉल 2 पे। तो समीर, और कुछ आप कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को जो इस तरीके से पुशिंग करना चाहते हैं? क्या आपके कुछ टिप्स हैं कि भाई ये कीजिए ये ना कीजिए, तो कुछ आप अपने हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहते हैं ऐसे यूनिक चीज़ क्लैश ऑफ क्लैंस में जो लोग करते हैं या करना चाहते हैं, उनको आप कुछ अपना मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो देखो, क्लैश ऑफ क्लैंस में कुछ करने के लिए अपने माइंड में कुछ होना चाहिए, अगर हुआ तो इजीली हो जाएगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा अगर आप ठान लोगे तो। कोई सोशल मीडिया लिंक होगा जो आप बताना चाहते हैं कि मेरे इस सोशल मीडिया लिंक को फॉलो करें हमारे व्यूअर्स? कुछ आप शाउट आउट देना चाहते हैं किसी अपने अकाउंट को, या कोई ऐसा बंदा जो आपके क्लैश लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता हो, क्या कोई मैसेज उनके लिए? मेरा तो इंस्टा आईडी है क्लैश विद बॉय बोलते, इतना तो ज्यादा कुछ है ना इसमें। ओके, लेकिन ठीक ठाक है। ठीक है गाइस, तो इनका ये इंस्टाग्राम आईडी आपको अभी स्क्रीन में दिखेगा, उसको फॉलो भी कर दीजिएगा। बहुत अच्छे पोस्ट इनके आपके प्रोफाइल में इनकी प्रोफाइल में मिल जाएंगे जहाँ पे ये इस तरीके के जब रिकॉर्ड बनाएंगे तो आपके सामने भी रखेंगे, तो ज़रूर इनको फॉलो कीजिएगा। तो समीर ओपी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि आप इतना सब कर रहे हैं। अरे हमारे लिए तो बस हमें इस तरीके की कंटेंट चाहिए होता है। बहुत अच्छे हैं बंदे आप। थैंक यू सो मच, हमें तो बस यही प्राउड फील होता है कि कभी कोई इंडियन कुछ ऐसा कर जाए जो पूरे क्लैश कम्युनिटी पे सब हिल जाएं वो देख के, और साथ ही साथ हमें प्राउड भी फील होता है कि कोई भारतीय ऐसा बड़ा रिकॉर्ड बनाता है, तो बहुत बहुत हमारा दिल मतलब भर जाता है बिल्कुल प्राउडनेस से। तो गाइस, ऐसी ही और वीडियोस लेते आऊँगा मैं इसी चैनल पे। ये थे हमारे साथ समीर ओपी, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया किस तरीके से टाउन हॉल 10 एक लेवल के ट्रूप के साथ सिर्फ और सिर्फ बारबेरियन और मिनियंस के साथ इन्होंने जो किया कारनामा, आज सारे लोग उस चीज़ के गवाह हैं। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस वीडियो, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वेयर द ग्राइंड नेवर स्टॉप, द डोनेटर्स कीप डोनेटिंग एंड द वॉरियर्स कीप रोरिंग। आई एम आउट विद दिस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक आखिरी बात बोलना चाहता हूँ जाते जाते, वो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आपको? हाँ, वही वाला लाल वाला, राइट लेफ्ट सेंटर जहाँ पे भी दिख रहा है, मुझे नहीं पता, आंख मारो, मुंह मारो, लात मारो, जो मारना है मार दो, पर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।